नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक के नेता भी थे साथ। बीजेपी दफ्तर में नए सांसदों की मीटिंग, संसदीय कार्यवाही से जुड़ी जानकारी देंगे जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश में 3 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी गई। पीएम मोदी ने जेडीयू के सांसदों से की मुलाकात। जेडीयू विधायक जमा खान बोले, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी बिहार में सरकार। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी एआईएम से डिस्चार्ज, तबियत बिगड़ने पर कराया गया था भर्ती। क्या 2022 की हार का बदला लेगी इंडिया? इंग्लैंड ने तोड़ा था चैंपियन बनने का सपना, आज फिर सेमीफाइनल में आमने सामने। हिमाचल, उत्तराखंड, J&K, लद्दाख में मानसून की एंट्री, 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकती है मानसून। वहीं 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने DTCD को अस्थायी रूप से भंग किया। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में दिया धरना। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके साथ।